Problem 12. Ali Industries Limited issued 5,000 10% debenture of Rs. 1,000 each. What entries will be passed? अब आपने सिर्फ एंट्रीज करनी है। 5,000 डिबेंचर जो इशू किए हैं कितने का एक है? 1,000 का। पहला केस क्या है जी? डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। ठीक है, तो देखते हैं कि पहले क्या बनेगी। पहले एंट्री फर्स्ट है जी हमारा केस। ठीक है, क्या करेंगे आप? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, और डिबेंचर अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कितने से? 5,000 डिबेंचर है, कितने का एक है? 1,000। ये बन जाएगा जी 5,000,000 50,00,000 5,000,000। ठीक है जी, ये डिबेंचर हमने पहली एंट्री में क्या किया? डिबेंचर इशू कर दिया। ठीक है, और वापसी भी आप कर रहे हैं पार पे। ठीक है, तो इस एंट्री को आप क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे जब आप रिडम्पशन करेंगे डिबेंचर से। ठीक है, तो रिडम्पशन की एंट्री कर रहे होंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट है जी? पार पे ही आपने वापसी की 5,000,000। पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। इशू भी आपने पार पे ली और वापसी भी आपने पार पे की। जब इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, रेट आप लोगों ने साथ लिख लेना डिबेंचर के। और जब आपने वापसी की तो एंट्री को आपने रिवर्स कर देना, डिबेंचर को डेबिट कर दिया खत्म करने के लिए और बैंक को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एंट्री है, डिबेंचर आर इशूड एट 7% डिस्काउंट। अब आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं एंड रिडीमेबल एट पार, वापसी आप पार पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्काउंट की अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू हेडिंग दी मैंने, मैं आपको डिस्काउंट निकाल के दिखा रहा हूं। ठीक है, कैसे निकलेगा? कितनी अमाउंट है जी? डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या है? 1,000। रेट कितना है जी डिस्काउंट का? 7%। अप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा जी डिस्काउंट? आ जाएगा जी आपके पास 70। उसके बाद आपने डिबेंचर की फेस वैल्यू में से इसको माइनस करना है। ठीक है, 1,000 - 70 कितना आ गया? ये 930। कितने का आप एक डिबेंचर इशू कर रहे हैं? 930 का। ठीक है, तो डेबिट करेंगे आप सेकंड एंट्री के लिए। तो क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे कितनी अमाउंट से? 5,000 × 930 930 का आप एक डिबेंचर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 5,000 डिबेंचर से 930 का एक, ये कितनी अमाउंट बन जाएगी आपके पास? ये बन जाएगी 46,50,000 4,650,000। उसके बाद डेबिट में क्या आएगा? डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आप लोग कंप्लीट लिख लीजिएगा। ठीक है, डिस्काउंट कितना जी? 5,000 डिबेंचर है, 70 आप डिस्काउंट दे। ठीक है, डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी 3,50,000। डिस्काउंट कैसे आया? अगेन देखें, 5,000 डिबेंचर 70 डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर आ गया डेबिट में कितना? 3,50,000। ठीक है, और डिबेंचर को आप क्रेडिट करेंगे फेस वैल्यू से। डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या है? 5,000 × 1,000 ये आ गया जी 50,00,000 5,000,000। ठीक है, अब आप इसकी वापसी करें, वापसी आप कर रहे हैं पार पे, तो वापसी पे क्या करेंगे आप? एंट्री जो आपने पहली की है डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितने से? 5,50,000। ठीक है, वापसी आपने पार पे की है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट कितने से? 5,000,000 50,00,000। ठीक है, ये होगी रिडम्पशन की एंट्री। उसके बाद मैं कर लेता हूं थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में क्या है? डिबेंचर्स आर इशूड एट 8% प्रीमियम एंड रिपेबल एट पार। रिपेबल का मतलब रिडीमेबल, वापसी। अब आपने प्रीमियम पे इशू किए हैं, वापसी आपने पार पे की है। ठीक है, तो अब मैं हेडिंग दे रहा हूं प्रीमियम ऑन इशू। ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी करके दिखा दूं। ठीक है,
फेस वैल्यू क्या है डिबेंचर की 1000, प्रीमियम कितना ले रहे हैं आप 8% मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 100, तो प्रीमियम आ जाएगा आपके पास 80, ठीक है। फेस वैल्यू में ऐड करें 1000 प्लस 80, ये आ जाएगा 1080। अब आप कितने का एक डिबेंचर इशू कर दें, ठीक है, प्रीमियम ऐड करें, ठीक है, तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट करें, कितने से डेबिट होगा 5000 मल्टीप्लाई बाय 1080, ठीक है, ये कितनी अमाउंट बन जाएगी आपके पास 54 लाख, 54000, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर आएगा जी क्रेडिट में फेस वैल्यू से, ठीक है, तो डिबेंचर को आप क्रेडिट करें, कितनी अमाउंट है 5000 डिबेंचर्स है, कितने का आएगा 1000 का, ये आएगा जी 50 लाख, यानी कि 5 मिलियन, 5000। उसके बाद क्रेडिट में क्या आ जाएगा जी प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितना प्रीमियम है जी एक डिबेंचर पे ₹80, 5000 मल्टीप्लाई बाय 80, तो प्रीमियम आ जाएगा जी हमारे पास 4, ठीक है। अब मैं इसकी रिडम्पशन की एंट्री करने लगा, रिडम्पशन आपने की है पार पे, ठीक है, तो अगेन वही एंट्री होगी, डिबेंचर अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, ये आज रिडम्पशन की एंट्री, डिबेंचर अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितने से जी 50 लाख, 5000 ₹, ठीक है। उसके बाद मैं करने लगा हूं इसकी फोर्थ एंट्री, ठीक है, फोर्थ एंट्री में क्या किया आपने, डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं पार पे, वापसी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, वापसी आप ज्यादा पैसे दे रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको लॉस हो जाएगा। अब ये एंट्री आपने बड़े ध्यान से करनी है, पहले हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं वापसी का, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है, कैसे निकलेगा जी 1000 डिबेंचर की वैल्यू में कितना प्रीमियम दे रहे हैं 4% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100 प्रीमियम आ जाएगा जी आपके पास 40, ठीक है, ऐड करेंगे इसको 1000 प्लस 40, तो आप वापसी पैसे जो कर रहे हैं वो 1040 वापस कर रहे हैं एक डिबेंचर, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना निकाला 40, ऐड की 1000 में 1040 आ गया, ठीक है। अब आप सबसे पहले बैंक को डेबिट करेंगे, ठीक है, बैंक में कितनी अमाउंट आई आप, क्योंकि आप इशू कर रहे हैं पार के, 5000 डिबेंचर से कितने का आएगा 1000, ये आ गया आपके पास 5000। उसके बाद डिबेंचर को आप क्रेडिट करेंगे फेस वैल्यू से, डिबेंचर को क्रेडिट कर दिया फेस वैल्यू से, कितने से क्रेडिट होगा डिबेंचर 5000 मल्टीप्लाई बाय 1000 5000। अब उसके बाद आप वापसी कर रहे हैं प्रीमियम पे, ठीक है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, आप लोगों ने पूरा लिख लेना है। अब प्रीमियम हमने कितना निकाला है 40, ठीक है, तो 5000 डिबेंचर है मल्टीप्लाई बाय 40, प्रीमियम कितना आ गया रिडम्पशन पे जो आप दे रहे हैं टोटल 2 लाख, 5000 मल्टीप्लाई बाय 40, ये बिल्कुल ये बन जाएगा आपके पास 2 लाख, ठीक है। लॉस कितना होगा आपको 2 लाख का, ठीक है, आप देखें डेबिट साइड जो है वो 2 लाख से कम है, ठीक है, तो डेबिट में क्या आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना
कितना थी 2 लाख। अब देखिए डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो इक्वल हो गई, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले आपने एंट्री करनी है बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, डिबेंचर को क्रेडिट करना है, फिर आपने प्रीमियम कैलकुलेट करना है जितना आप वापसी पे दे रहे हैं। कितना प्रीमियम दे रहे हैं आप डिबेंचर पे? 2 लाख रुपया, ठीक है। तो डेबिट में क्या आ जाएगा? लॉस। आपने ये एंट्री बड़े ध्यान से करनी है, ठीक है। ये लॉस वाली एंट्री आपने बाद में किया जब आपने प्रीमियम निकाला, पहले रिडेम्पशन पे 2 लाख निकाला, फिर डेबिट में उसको लिख दिया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 2 लाख, ठीक है। अब आप प्रीमियम पे जब वापसी करेंगे तो मैं रिडेम्पशन की एंट्री करेंगे। इश्यू करते वक्त ही आपने प्रीमियम जो कैलकुलेट कर लिया, अब रिडेम्पशन क्या होगी? डिबेंचर अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, कितनी अमाउंट से? 5000 और डेबिट में क्या आ जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। एक्सपेंस है ना ये, क्योंकि आप ज्यादा पे ज्यादा पैसे वापस कर रहे हैं। कितना प्रीमियम है रिडेम्पशन पे? 2 लाख। बैंक कितने से क्रेडिट हो जाएगा आपका? 52 लाख। ठीक है। अब उसके बाद ये आप लोग पहले वर्किंग नोट करें, मैं फिर इसको रिमूव करने लगूं ताकि मैं लास्ट में एंट्री कर सकूं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लें वर्किंग को। 5000 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हो गया जी 5000, ठीक है। उसके बाद अब हम सबसे पहले कैलकुलेट क्या करेंगे? डिस्काउंट, ठीक है। अब देखिए डिस्काउंट आपने टोटल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखेंगे प्रीमियम कितना रिडक्शन, प्रीमियम ऑन रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन में प्रीमियम कितना दे रहे हैं? 5000 डिबेंचर से, ठीक है। 40 आप प्रीमियम दे रहे हैं, ठीक है, एक डिबेंचर। तो प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा रिडक्शन पे? टोटल 2 लाख, ठीक है। और टोटल डिस्काउंट कितना बना है इशू के ऊपर? 1000 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। ये बन जाएगा जी आपका, सॉरी 5000 डिबेंचर है, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं आप? 58 डिबेंचर पे, तो ये बन जाएगा आपका 2,50,000, ठीक है। अब ये डिस्काउंट है इश्यू करते वक्त ये हमने पहले नहीं लिखा, हम कंबाइन लिखेंगे। डिस्काउंट कितना जब आपने इशू किया? 2,50,000, और प्रीमियम वापसी पे जो आपने लिया वो कितना? 2 लाख। तो आपको कितना लॉस हो गया? ये 250 प्लस 2 लाख लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। कितना बन गया ये? तकरीबन 2 लाख जो आपने डिस्काउंट जो प्रीमियम दिया प्लस 2,50,000, ठीक है। कितना बन गया ये? 4,50,000, ठीक है। अब ये एंट्री करते वक्त आपने देखा पहले हमने क्या किया, बैंक को डेबिट किया, डिस्काउंट को आपने अलग लिख लिया। इशू करते वक्त डिस्काउंट जब आपने इशू किया डिबेंचर तो कितना था डिस्काउंट? 2,50,000, ठीक है। जब आपने प्रीमियम पे वापसी की तो प्रीमियम कितना था वापसी पे? 2 लाख। तो इन दोनों को आपने ऐड करना, 2,50,000 प्लस 2 लाख, ये बन गया 4,50,000। तो डेबिट कर दिया आपने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितना बन गया ये? 4,50,000, ठीक हो गया। फिर आपने ये एंट्री करनी है, डिबेंचर को आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद रिडेम्पशन की एंट्री क्या होगी? इसकी रिडेम्पशन की एंट्री लास्ट एंट्री थी जी हमारी, अब हमने रिडेम्पशन की एंट्री कर इशू की हमने करनी थी। तो रिडेम्पशन आप कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो डिबेंचर अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। डिबेंचर अकाउंट को आएगा फेस वैल्यू से 5000 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्या आ जाएगा जी? 5000। उसके बाद आप प्रीमियम दे रहे हैं वापसी पे, कितना डेबिट हो जाएगा प्रीमियम, ठीक है। एक्सपेंस है, वापसी आप ज्यादा भी कर रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडक्शन, ठीक है। कितना है? 2 लाख। बैंक को आप कितने से क्रेडिट करेंगे? 52 लाख, ये होगी रिडक्शन की एंट्री। अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने सिर्फ पहली एंट्रीज करनी है, इशू करनी है, ठीक
ठीक है, क्योंकि बुक में और इलस्ट्रेशन में मैंने बताया आपको कि सिर्फ इशू करने की एंट्री की है, रिडेम्पशन की एंट्रीज नहीं की हुई, ठीक है। लेकिन ये आप कर लें, ठीक है, ये सिंपल ही है, ठीक है, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन आपने कंसंट्रेट करना है इशू करने की एंट्रीज पे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करें।